अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नवीद अहमद और आप देख रहे हैं नवीद ऑनलाइन साइंसेज अकेडमी। चैप्टर नंबर 5 जो है वो हमने स्टार्ट किया है मैथमेटिक्स का, क्लास 10th क्लास का। तो इसके अंदर जो हमने शॉर्ट सिलेबस के क्वेश्चन करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 6। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कम्प्लीट करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स करने हैं 2 करने हैं, पहला और तीसरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट करने हैं पहला और दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि जो पहले नंबर गिवन है आपने इसका यूनियन लेना है और फिर इंटरसेक्शन लेना है, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये तो आपने खुद करने हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू 70। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो जिनके दो डिवाइजर होते हैं, एक 1 होता है और एक इटसेल्फ नंबर खुद अपने आप पर भी डिवाइड होता है। तो वो कौन से हैं जो 17 से के बराबर, इक्वल और उससे छोटे हो, 17 के इक्वल और उससे छोटे जो है वो मैंने लिखे हैं, ये सारे क्या हैं प्राइम नंबर। उसके बाद आता है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर कौन से, 1, 2, 3 से लेकर 12 तक। तो इसके भी आपने यूनियन और इंटरसेक्शन ही निकालना है, तो आप ये खुद निकालेंगे। आगे है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी इसमें जो सेट एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर्स के हैं एंड 3 लेस देन एक्स, एक्स लेस आर इक्वल टू 25, यानी कि जो नंबर्स हैं वो 25 के बराबर हैं, 25 इसमें शामिल होगा क्योंकि इक्वल लगाया ना उन्होंने, और उससे छोटे नंबर हैं कहाँ तक हैं कि वो 3 से बड़े हैं, ग्रेटर देन 3, तो 4 होगा, 5, 6, 7 एंड सो ऑन टू 25। ये हमारे पास सेट आ गया है यूनिवर्सल सेट। और x जो है वो एक प्राइम नंबर को शो कर रहा है, x सच दैट x इज प्राइम एंड 8 लेस देन x, x लेस देन 25, यानी जो नंबर्स हैं वो x जो है वो जो मेंबर्स पर मुश्तमिल है वो 8 से बड़े हैं और 25 से छोटे हैं। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो के जिनके दो डिवाइजर होते हैं, तो 8 से बड़ा 9 होता है, 9 तो कितने नंबर पे 3 पे भी डिवाइड हो जाता है, वो आप देखें वो 9 पे भी हो रहा है, वो 1 पे भी हो रहा है, तो उसके 2 से ज़्यादा डिवाइजर है। इसके बाद आता है 10 के भी ज़्यादा डिवाइजर है, 11 इसमें शामिल होगा, 13 शामिल है, 13 के बाद उसके अंदर 17 भी शामिल है, उसके बाद 18 नहीं हो सकता क्योंकि वो इवन नंबर है और उसके डिवाइजर ज़्यादा हैं, 19 जो है वो शामिल होगा, और इसके अलावा 20 भी नहीं हो सकता, 21 भी नहीं हो सकता क्योंकि 21 3 में भी डिवाइड हो रहा है, और 21 के अलावा 22 नहीं हो सकता क्योंकि वही मन है, तो फिर क्या होगा 23 के बाद आता है 24 इन्होंने वो भी नहीं हो सकता, और 25 जो है वो भी शामिल, वो कह रहा है 25 से छोटे हैं तो फिर वो उन्हें काउंट करने ही नहीं। तो इसके अंदर ये एलिमेंट्स पाए जाएंगे 11, 13, 17, 19 और 23। उसके बाद देखिए इसमें है कि y इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर w and 4 is less or equal to x, x less or equal to 70, यानी जब होल नंबर हमारे पास मौजूद है वो 17 के भी बराबर है और 4 के भी बराबर है, यानी इनके दरमियान बिटवीन नंबर है, एक 17 भी शामिल है क्योंकि इक्वल लगाया और 4 भी शामिल है क्योंकि इक्वल लगाया, और 5, 6, 7 and so on to 17 तक ये नंबर शामिल है, इसको कह देते हैं 1। अब हमने करना क्या, हमने सबसे पहले एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट आपने पढ़ा हुआ है कि यू में से माइनस करते हैं, तो पहले आप लेंगे इसका यूनियन एक्स यूनियन वाई, तो पहले आप लिखेंगे एक्स सेट यूनियन वाई सेट। तो एक्स सेट कितना है, वो है 11, 13, 17, 19 and 23, और इसी तरह वाई जो है वो बराबर है 4, 5, 6 and so on to 17 तक। जब आप इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, उसके बाद 18 तो है ही नहीं इसके अंदर, तो ये 19 के बाद आता है 23, तो ये आ गया यूनियन। अब आपने करना क्या है, आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी कि आपने जब कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आपने यू में से इसको माइनस करना है एक्स यूनियन वाई को। तो यू की जो वैल्यू है वो है 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन टू 25,
माइनस ये वैल्यू आप लिखेंगे 4 एंड सो ऑन टू 17 और उसके बाद आता है 19 एंड 23। जब आप माइनस करेंगे तो देखिए 4 में से 4 चला गया, 5 भी चला गया, यानी कि 17 तक जो नंबर्स हैं वो इसमें से रेज हो जाएंगे, क्योंकि ये 4 से लेकर 17 तक चल रहा है, तो इसमें से वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आता है 18 और इसमें से इसमें 19 भी होगा तो 19 इसमें भी है तो वो माइनस हो जाएगा। और उसके बाद आता है 20 इसमें है इसमें नहीं है तो वो हम लिखेंगे। उसके बाद 21 22 23 इसमें मौजूद है इसमें भी मौजूद है वो माइनस हो जाएगा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आता है 24 एंड 25। तो ये हमारा आंसर है कॉम्प्लीमेंट में। और इसी तरह आपने एक बार इसका इंटरसेक्शन ले लिया, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं दूसरा जो तीसरा जो पार्ट है उसमें आपने करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो इसके दरमियान आप लिखेंगे इंटरसेक्शन, तो जो चीज़ कॉमन आ रही है वही आप लिखेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है, एक इसमें 11 है, 13 है, 17 है, बस 3 नंबर्स कॉमन है। और फिर आपने इसका यू में से माइनस करना है। तो यू में से आप कैसे माइनस करेंगे, इस जगह पे आप लिखेंगे 11, 13 एंड 17। तो अब आपने इन दोनों में से इन दोनों का आपस में माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसमें भी है इसमें भी है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद होता है 12, 13 इसमें भी है इसमें भी है वो भी ख़त्म हो गया, 14, 15, 16 उसके बाद होता है 17 इसमें भी है इसमें भी है तो वो भी ख़त्म हो गया। 18 से लेकर 25 तक जो नंबर्स हैं वो इसमें लिखे जाएंगे और ये बराबर होगा एक्स इंटरसेक्शन वाई के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहते हैं जो पहला सेट है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और इसको आपने माइनस करना है होल नंबर से, उसमें होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो आप जब 1 में से 1 निकालोगे 2 भी निकालोगे तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं बचेगी, ये एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, इसी तरह आप बी माइनस ए लिखेंगे तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन माइनस 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमें सिर्फ एक जीरो ही नंबर मिलेगा, तो ये हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको 5.1 की समझ आ गई होगी। तो इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझे लिखें तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर दूंगा। अपना और अपने वालदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि उनकी दुआओं से आप इस जहान में भी और अगले जहान में भी कामयाब होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।